Yalah. Madad. आज अगर मैंने इस पाशा को नहीं पकड़ा ना तो ये उदम मचा देगा। बासर रेड कलर की थी पाशा, दूसरे वाली बिल्डिंग में स्मगलिंग करने वाला है। तो बैठ टाइम नहीं है, मानना पड़ेगा यार आपकी टाइमिंग को एकदम। बोला ना मस्करी का टाइम नहीं है, चलो। मेरे उस माल का क्या हुआ? अब तक आया नहीं, मैं आगे जुबान दे चुका हूँ। मुझे मेरा माल टाइम पे चाहिए। पाशा को लेट पसंद नहीं, समझ में आया? कल तक मुझे माल मिल जाना चाहिए, वरना आगे तुम जानते ही हो। चलो रखता हूँ मैं। माल रख दिए? हाँ, बाकी का माल कभी आएगा? जल्द से जल्द शिप में रखना है, डिलीवर करना है माल को। मेरी अभी उसी से बात हो रही थी, बाकी का माल कल तक आ जाएगा। पाशा भाई। अबे साले, तू कितनों का खून पीता है जो बार बार तुझे मूतने होती है। अरे रुक 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 भाई, इसे करने लो। ये रे यार, रेड़ा है। ए ध्यान से, बाकी का माल लग गया। हाँ, ये जगह देख रहे हो? हाँ, ये जगह अपने काम के लिए सबसे सुरक्षित है। सर्किट
बाल, तूने पाशा को मारने की कोशिश की। पाशा को सिर्फ एक आदमी मार सकता है और वो खुद पाशा है। तुझे तो तेरी मौत यहाँ लेके आई है। मंसूर चाचा आ गए। तो संदीप तुम लोग यहाँ पे क्यों बुलाए हो? अरे वो तुझे मंसूर से कुछ बात करना था। मंसूर तो आप हो ना चाचा? अरे बेटा, संदीप को तुझसे कुछ बात करनी थी। संदीप बोल भाई। सुन मौसी। क्या पप्पा कैसे उदास बने बैठे? चल मेरे साथ गुंडागर्दी कर ले। गुंडागर्दी? तू चाहते मौसी गुंडागर्दी करे, क्राइम करे? संदीप, क्राइम में सिर्फ लोगों की जान जाती है और मुर्सिन क्राइम के लिए नहीं बना। मंसूर चाचा समझाओ इसको, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। चाचा भाई फज्जू क्या हुआ? फज्जू को क्या कहाँ पे? जोगेश्वरी। चाचा जोगेश्वरी हम लोग जाके आते चाचा, आप घर पे जाओ। नहीं 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 नहीं, आप रुको, हम लोग देख लेते हैं। आप यहीं पे रुको, अब जाओ घर पे। चलो चल। हकीम भाई क्या किया उसने? मेरे इलाके में घुसा हुआ पुलिस वाले का चमचा। हेलो, कैसे सर? मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ बट यहाँ पे ना कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, जैसा भी सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, बाय। हेलो, कसा आहेत साने भाऊ? नमस्कार। हा अरे आपल्याच अड्ड्यावरती। अरे कितना दिन हो गया साने भाऊ, एक भी मुर्गा नहीं भेजा। पता है ना तुमको, जब तक एक भी हलाल नहीं किया ना तब तक अपने घर की प्यास नहीं बुझती। हाँ हाँ भाऊ, अरे अपन एकदम मजे में। बस खर्चा पानी बेचते रहो तुम। बस बस बस, नमस्कार भाई। हाय क्या बारे बोले? मुझे बस नहीं, वो गांडू कौन है? वो मीजर से जा देखा नहीं? सुनो मीजर से जाता नहीं।
इधर जाए यार ये छोटे हकीम के इलाके में एंट्री मारा हकीम तू जो कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्या करूँ इसका समझा क्या करूँ इसका मैं बोलूँ तू क्या कर लेगा बे मारने के जा चली गो जाने दो अपना ही छोटा भाई है जा लेके जा सुन मौसी बदमाशी बच्चों का खेलने जी भाई आइंदा नहीं होगा काय को फज्जू तू इन लोग के साथ इन लोग सबके चक्कर में मत पड़ समझा हकीम भाई है वो हकीम भाई को सॉरी बोल और बात को खत्म कर विष्णु बोलो भाई खत्म हो गई बात जाने क्या हकीम भाई सॉरी बोल हकीम भाई को हकीम भाई माफ कर देना मेरा छोटा भाई है बच्चा है अभी सुन मौसी आइंदा से अगर ये मेरे रास्ते में आया तो मैं देखूंगा नहीं कि ये तेरा भाई है खत्म कर दूंगा सर बच्चों ये बच्चों देख फज्जू ये हकीम और उसके बंदे लोग बहुत बेकार हैं तू इन लोग सबके चक्कर में मत पड़ पागल हो गया है तू बचपन है तेरे अंदर बात को समझ समझ क्या समझूं मैं कि मेरा भाई एक बुजदिल है तुम्हारे से बुजदिल भाई होने से अच्छा है ना मेरे कोई भाई ही ना है हट मसीन छोटा इतना गुस्से में क्यों है पता है फज्जू को हकीम ने मारा है मैंने उसके गर्दन पे निशान देखे फज्जू ने दिमाग की माविन करके रखा ऊपर से तुम यहाँ मेरे को चला के लेके आ गए देख विष्णु दिमाग की माविन मत कर साने भाव ने बुलाया इसलिए मैंने तुमको यहाँ लेकर आया और साने भाव के सामने कुछ भी तीन पार नहीं चलेगा समझा
कसा है जाने भाऊ, अपन दोगे भाऊ भाऊ सोबत मुंबई चालो। अच्छे उनको सुकून मिल गया, तू बोला था ना मेरे को फोन पे अगर जब तक मैं बकरा हलन नहीं करता तब तक मेरे दिल को सुकून मिल गया। मैं तेरे को आज बकरा नहीं खुला सांड देने वाला हूँ, सांड खुला सांड उसको मारने का समझा। अगर तू उसको मारता है तो सलीम की जगह मैं और भाऊ की जगह तो अगर तू उसको नहीं मारता है तो मैं तुझे दे दूंगा। अरे साने भाऊ खुला हुआ सांड तो क्या, अगर भागता हुआ सांड भी रहेगा ना तो उसको तुम्हारा ही हकीम मार के जाएगा। यही चाहिए यही। बस तुम एक बार उसका नाम तो बता दो। सुल्ताना सुल्ताना तो 5 साल से गायब है ना भाऊ। वही बोल रहा हूँ तेरे को, सुल्ताना 5 साल से गायब है और सलीम राज कर रहा है मुंबई पे। हम लोग सिर्फ नाम के लिए और सलीम बादशाह है मुंबई का बादशाह। तुम टेंशन मत लो भाऊ, अब हकीम जब भी इधर आएगा ना तो सुल्ताना को जरूर लेके आएगा जिंदा या मुर्दा। ठीक है चले जा। ऐसा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बोल नहीं सकता। तो आगे का क्या सोच रहे? आगे का ये सोच रहा हूँ कि वापिस से सलीम भाई के पास जाऊँ और पुराने हिसाब किताब को ख़त्म करूँ। और फिर वो क्या नाम है उसका, हकीम, उसका भी तो हिसाब किताब ख़त्म करने का है। सुल्ताना तू पागल हो गया, तू वापिस उसी दलदल में जाना चाहता है? पागल संदीप, अब तू मुझे पागल बोल रहा है क्या? तू भूल गया वो दिन जब सुल्ताना ही मोहसिन मिला था? 5 साल में कितने आंसू बहाया होगा ये खुद मैं भी नहीं जानता। लेकिन हाँ अब जब सुल्ताना बनकर वापिस लौटा हूं तो मां का संग एक एक का हिसाब लूंगा और सुल्ताना की दहशत को वापिस बढ़ाऊंगा। सुन रहे ना सुल्ताना, वापस आ गया है। सुल्ताना वापिस आ गया है, सुल्ताना वापिस आ गया है।
यहाँ का एक बार ज्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे को। हाँ तुझे सुल्ताना अपना साथ देने के लिए बनाया था, ना कि उस सलीम का साथ देने के लिए। तो क्या करूँ? और तू है कि तुझे उसी दलदल में फंसना है जहाँ से तू 5 साल पहले निकला था। संदीप बात दलदल की नहीं है, तू समझना क्यों नहीं है? सलीम भाई ने उस वक्त मुझ पर हाथ रखा था जब सुल्ताना नहीं था, समझा? मोहसिन को सुल्ताना बनाने वाला सलीम भाई, और तू कहता है मैं उस बंदे का साथ छोड़ दूं? अरे कितनी अच्छी अपनी दोस्ती है ना, इतनी अच्छी दुश्मनी नहीं पा सकता हूं। दुश्मनी? संदीप तो सुल्ताना का खास दोस्त है, और तुझे ये बात पता रहनी चाहिए कि सुल्ताना दोस्ती से अच्छी दुश्मनी नहीं है। तुझे अच्छी से पता होनी चाहिए। मारेगा? दुश्मन नहीं करेगा मेरे से? जो भी है बचपन का दोस्त है तू मेरा, याद रख। दूसरा तुझे बोल रहा हूं, अगली बार मेरे हत्या मत चढ़ जाना, वरना आज मैं तेरे साथ दोस्ती निभा रहा, अगली बार दोस्ती नहीं निभाऊंगा। अगर तू अपनी दोस्ती निभा सकता है तो मैं भी तेरा ही दोस्त हूँ। खैर जा रहा हूँ, और हाँ एक ना एक दिन मैं तुझसे जरूर टकराऊंगा। हाँ मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर, बिना कुछ बताया। हाँ उसने बोला कि मुझे बस कोचिंग में कोई बात बता दी। सब के सब साले पैटर्न थे। और तू आज से मेरे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जहाँ मैं भेजूंगा सिर्फ वहाँ जाएगा, समझा? और याद रख मोहसिन ने सुल्ताना हो, आज से मैं सुल्ताना हूँ, ठीक है? चल सुल्ताना, तू जिंदा है? अरे सुल्ताना कैसा सलीम भाई, कहाँ चला गया था तू अपने सलीम भाई को छोड़ के? मेरा वापस आ गया। हाँ मेरा शेर वापस आ गया है। हाँ वही सुल्ताना, मेरा सुल्ताना। अब की बार मैं पूरी स्टेशन से लौटा, पुराने सारे हिसाब किताब में खत्म करूंगा। तेरे लिए चार बंदे तैयार हैं, पर उन सबसे पहले मुझे एक चूजे को साइड में करना है। वो चूजे का नाम है हकीम।
साला 3 साल में नाक में दम करके रखा है मेरे। सलीम भाई टेंशन मत लो सलीम भाई, अभी सलीम को मारने के बाद ही मारे में सामने आना। ये पता है, ये पता है तू उसको मार देगा, और वो साला लाइन से जाने ही चाहिए यहाँ से। फिर उसके बाद तेरे लिए तो मैंने 4 लोग को और तैयार रखा। बात